देखिए मैंने कितने सारे टेस्ट किया हो, मैक्सिमम मैंने 19 टेस्ट किया हो, अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग रैम लगा के नेटवर्क स्विच करके, कि आपको लाइव स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो टेस्ट जो कि मैंने NFS मोस्ट वांटेड, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड गेम पर किया हो। मेरे PC में मैंने पहले ग्राफिक्स कार्ड निकाल लिया हो, आपको प्रोसेसर पर ही मैं स्ट्रीमिंग करके बताऊँगा। जो कि मैंने टेस्ट नंबर मेरा इसमें लिखा हुआ है 17, टेस्ट नंबर जो मैंने किया हो अक्टूबर 26 को, जब मैंने प्रोसेसर चेंज करके देखा था, इसमें मैंने कोर i5-2400 विथ 12 GB रैम विदाउट ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया हो, आपको दिख रहा हूँ ये साइड में। और दूसरा जो मैंने टेस्ट किया था, ये सारे टेस्ट मेरे चैनल के लाइव स्ट्रीमिंग के सेक्शन में अवेलेबल है। दूसरा टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए टेस्ट नंबर 11, ये भी कोर i5-2400 इंटेल प्रोसेसर पे है। तो मैं आपको एक मेरा जो दूसरा टेस्ट था जो i3 पे है, उसका और i5 का कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो चलिए अपन वो वाला लगा लेते हैं वीडियो, i3 वाला। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, और बेल आइकन भी दबा देना। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मेरे पास्ट लाइव स्ट्रीम जितने भी मैंने टेस्ट किया वो सब दिख जाएंगे। ये साइड में तो आपको कोर i5-2400 के वीडियो मैं प्ले करूँगा साथ में दोनों भी, तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने कितने सारे टेस्ट किया हो, मैक्सिमम मैंने 19 टेस्ट किया हो, अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग रैम लगा के नेटवर्क स्विच करके, कि आपको लाइव स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और आपको लाइव स्ट्रीम करने के लिए मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो अभी इसमें मैंने एक i3 प्रोसेसर पे और 4 GB रैम पर भी एक किया था टेस्ट, आपको बता दो। देखिए NFS मोस्ट वांटेड स्ट्रीमिंग टेस्ट नंबर 8 ऑन कोर i3 सेकंड जनरेशन। चलिए इसी वीडियो को प्ले करके देखते हैं। इसको 360 पर रख देंगे क्या, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये तो 360 पर है। तो देखिए हमारा एक साइड में है NFS मोस्ट वांटेड स्ट्रीमिंग टेस्ट नंबर 17 ऑन कोर i5-2400 इंटरनल प्रोसेसर 12 GB रैम विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, और एक तरफ है अपना NFS MW स्ट्रीमिंग टेस्ट नंबर 8 ऑन कोर i3 सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन के जब मैंने प्रोसेसर पे स्ट्रीमिंग करके देखा तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप खुद देखकर पता करें। देखिए कैसे लैग कर रहा है। और अब हम चलो दोनों को साथ में प्ले कर देते हैं। और मैंने जब ये i5 पे 2400 इंटेल प्रोसेसर पे भी स्ट्रीमिंग करके देखा तो आपको दोनों भी समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन में आप और डिटेल देख सकते हैं इसकी, क्या मैंने नेटवर्क कौन सा यूज़ किया और क्या यूज़ किया इसके साथ में। देखिए डिस्क्रिप्शन कहाँ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर स्ट्रीमिंग दोनों तरफ से, मतलब स्ट्रीमिंग की क्वालिटी तो दोनों प्रोसेसर अच्छी दे देते हैं, लेकिन i3 में थोड़ा लैग करता है। ये विदाउट ग्राफिक्स कार्ड है। और नेटवर्क्स तो मैं वाईफाई यूज़ कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने 3G नेटवर्क पे करके देखा तो इसमें जो है लैगिंग थोड़ा मिल रहा था। और ये वाला जो है मैंने 4G नेटवर्क पे किया था और USB टेथरिंग यूज़ किया था इसमें। तो देखिए i5 प्रोसेसर हमेशा आगे होता है i3 से। इसमें जो है 4 कोर होते हैं और i3 में 2 कोर होते हैं। तो आपको डिटेल वीडियो यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ पर i5 में कितना स्मूथ चल रहा है गेम और i3 में थोड़ा सा लैग कर रहा है। जैसे जैसे आप वीडियोज़ देखते जाएंगे आगे तो आपको कंपेरिजन समझ में आ जाएगा। और i3 पे मैंने 3G नेटवर्क पे किया होगा और ये जो है i5 पे 4G नेटवर्क। तो अब मैं आपको i3 पर ही 4G नेटवर्क वाली वीडियो लगा कर दिखाता हूँ। चले फिर से हम अपने चैनल में, देखिए पास्ट लाइव स्ट्रीमिंग जो मैंने टेस्ट किया वो सारे i3 और 4G नेटवर्क वाला ढूंढना है हमें। तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि आप स्ट्रीम करने के लिए आपको कौन से इंटरनेट और नेटवर्क की ज़रूरत है। और लास्ट में आपको बताऊँगा कि मेन मुझे जो स्टार्टिंग में स्ट्रीमिंग के लिए प्रॉब्लम आई और फिर मैंने उसके बाद में जो रिज़ल्ट निकाला और फिर अब मैं मेरे PC को अपग्रेड करूँगा तो फिर मैं उससे एकदम ज़बरदस्त स्ट्रीम कर सकूँगा। तो मैंने देखो भाई GTA 710 ग्राफिक कार्ड लगाकर भी ये वीडियो
स्ट्रीम करके देखा था, ये भी लगाकर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्राफिक्स कार्ड लगाने से आपको कितना फ़ायदा है और बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे टेस्ट किया हूँ मैंने। अच्छा ये देखिए एनीफेस टेस्टिंग लाइव स्ट्रीमिंग ये होंगी शायद। i3 जब इतनी तारीख को तो i3 ही लगाया था मैंने, तब तो उसकी i3 की टेस्टिंग कर रहा था। चलो इसका देखते हैं। हाँ ये i3 और इस पर मैं 4G नेटवर्क पे स्ट्रीम कर रहा था तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर i5 में ज़रा सा भी लैग नहीं कर रहा, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इसकी वजह से हमें सिर्फ 30 फ्रेम्स पर सेकंड मिलते हैं। 30 FPS तक i5 ग्राफिक्स कार्ड हमें i5 2400 इंटेल प्रोसेसर, ये जो ग्राफिक्स इसमें इंटीग्रेटेड है ये हमें प्रोसेसिंग इतनी कर देते हैं कि 30 FPS पे हमें मच गेम प्ले जो है वो अच्छा हमारा खेल सकते हैं गेम अच्छे से हम। तो अभी तो ये देखिए i3 पे कितना अटक रहा है, सेकंड चल रहे हैं लेकिन गेम अटक रहा है, ये हो गया। लेकिन i5 एकदम स्मूथ चल रहा है, कहीं कहीं पर थोड़े से फ्रेम ड्रॉप होते हैं लेकिन हमें अच्छी गेम प्ले करा देता है। अब आपको मैं दूसरी एक स्ट्रीम मेरी बताता हूँ i3 का, तो आपको रिजल्ट मालूम पड़ गया। अब मेरे पास में एक ग्राफिक्स कार्ड लगाकर जो मैंने i3 के साथ में ग्राफिक्स कार्ड लगाकर स्ट्रीम किया था वो रिजल्ट पे आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं, चलिए अपने चैनल में। ऐसे मैंने बहुत से टेस्ट किया उसके बाद में मुझे रिजल्ट मिला, मैंने सोचा कि इस पर आपको वीडियो बनाकर बता देता हूँ क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको मेरी इससे बहुत परेशानी होती है स्ट्रीम करने के लिए। तो मैंने खुद मेरी डिटेल प्रोसेस वीडियो डाटा एनालिसिस करके कि कोई कौन सी चीज़ अपने को ज़रूरत है कौन सी चीज़ की नहीं ज़रूरत है, और जिस जिसकी ज़रूरत थी पहले मैंने 4 GB रैम लगाया, फिर 8 GB लगाया, फिर 12 GB लगाया। अभी मेरे PC में 12 GB रैम है जब ये कोर i5 पे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो देखिए कितनी स्मूथ हो रही है। अब मैं आपको कोर i3 जब था मेरे उसमें मैंने ग्राफिक्स कार्ड का लगाकर स्ट्रीम किया था तो आपको बताता हूँ मैं वो वीडियो का। यार ढूंढ रहा हूँ, मैंने सारे टेस्ट किया था। मैंने उसमें ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया था सबसे चीप क्वालिटी का GT 710, क्योंकि अब तब मेरे पास में वही अवेलेबल था। ये देखिए NFS मोस्ट वांटेड लाइव स्ट्रीमिंग टेस्ट बाय GT 710 ग्राफिक्स कार्ड। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं एक बार। i5 तो एकदम स्मूथ चल रहा है वो भी विदाउट ग्राफिक्स कार्ड। ही देखिए जरा सा लैग किया बस। देखिए ये i3 मेरा इसमें प्रोसेसर लगा हुआ था तब 8 GB रैम लगी हुई थी, ये साइड में आप देख सकते हैं, और 8 GB रैम के साथ में i3 और GT 710 का ग्राफिक्स कार्ड मैंने यूज़ किया था, जिसके भी प्राइस 4.5 से 5 हज़ार रुपये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये ग्राफिक्स कार्ड इतना स्मूथ नहीं चलता है, फिर भी आप देख ले खुद, इसमें फ्रेम रेट्स अच्छे मिल जाते हैं। ये हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे मैंने खेला था तो आप देख लीजिए, ये गेम दोनों भी तरफ सेम ही है। ये देखिए 710 ग्राफिक्स कार्ड पर, और ये विदाउट ग्राफिक्स कार्ड i5 प्रोसेसर पर, और जब इसमें मेरा i3 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर था। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए आए हैं तो। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, आपको सीधे रिजल्ट बता देता हूँ। देखिए i3 पर भी स्मूथ एकदम प्ले गेम हो रही है लेकिन कब ग्राफिक्स कार्ड लगाने के बाद में, लेकिन i5 पर विदाउट ग्राफिक्स कार्ड हमें अच्छी क्वालिटी में स्ट्रीम करा देता है 4G नेटवर्क पर। और सबसे इसमें जो मेन बात है, आपका ग्राफिक्स कार्ड मैंने 2 नंबर पे रखा हो, सबसे पहले आपको इंटरनेट स्पीड फास्ट चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वाईफाई फाइबर ऑप्टिक केबल ब्रॉडबैंड वगैरह लगा ले ताकि आपके स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन जो है इसमें आपका सर्वर से कनेक्टेड रहना, आपका वीडियो अपलोड होना सर्वर पे, और स्ट्रीम लैग नहीं होने का प्रॉब्लम सबसे बड़ा इंटरनेट होता है। इंटरनेट अगर आपका स्टेबल है तो आपकी वीडियो ट्रांसमिशन अच्छे से रहेंगी और आपके व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आप अपना इंटरनेट सही करें, उसके बाद में ही आप स्ट्रीमिंग करें। स्ट्रीमिंग के लिए और दूसरी चीज़ आपने अच्छा प्रोसेसर लगता है। ग्राफिक्स कार्ड हमने 3 नंबर पर रखा है, ग्राफिक्स कार्ड जो है हमें ज़्यादा FPS के लिए और
अच्छी सेटिंग्स के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो आप ग्राफिक्स कार्ड के पीछे ना भागे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छा हाईएस्ट प्रोसेसर यूज़ करें और i5 प्रोसेसर ही यूज़ करें। देखिए i3 की अपनी हो गई, अब ये देखो यहाँ पर एक रिकमेंड कर रहा है NFS मोस्ट वांटेड आज जो हमने किए, इसके बाद में देख लेते हैं इस वीडियो को भी लगाकर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपको देखकर तो समझ में आ गया होगा कि मैं सॉफ्टवेयर जो स्ट्रीमलैब्स यूज़ करता हूँ, तो आप भी उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, उसमें इजी सेटिंग्स होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ग्राफिक्स कार्ड के पीछे ना भागें, आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। अगर आप कोर i5 यूज़ करते हैं, उसमें आप कोई भी जनरेशन यूज़ करके स्ट्रीमिंग अच्छे से कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि सेकंड जनरेशन तो बहुत जूना हो गया है, आप थर्ड जनरेशन के ऊपर ही और DDR4 RAM यूज़ करें, और ग्राफिक्स कार्ड अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही यूज़ करें। अगर आप GTA 5 वगैरह गेम खेलते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड लगाइए, उसके ऊपर के गेम खेलते तो ग्राफिक्स कार्ड आपको कंपलसरी लगाना है, और स्ट्रीमिंग के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।